कोची शिपयार्ड ने मंगलवार को कहा कि वह इंडियन नेवी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। कोची शिपयार्ड इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वेसल्स का निर्माण करने वाली है। कोची शिपयार्ड भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी है, जो भारत में सबसे बड़े जहाजों का निर्माण और मरम्मत करती है। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 23 फरवरी को एक बैठक की थी, जिसमें भारतीय नेवी के लिए 6 नए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वेसल्स को मंजूरी दी थी। इस बैठक में कोची शिपयार्ड ने सबसे कम बोली लगाकर स्टैंडर्ड को अपना बनाया था। कोची शिपयार्ड का निर्माण 1972 में किया गया था। अगला अपडेट अर्जुन MK-1A को लेकर है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 118 अर्जुन MK-1 टैंकों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 6000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा अधिकारी ने कहा कि 58 टन के इस टैंक को DRDO ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के 30 महीनों के भीतर तैयार किया है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण की बैठक में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आरुद्ध मध्यम पावर रडार को भी अपनी मंजूरी दी है। अगला अपडेट चीन को लेकर है। उपग्रह इमेज से पता चला है कि पेंगोंग झील से चीन की आर्मी को हटाने के बाद चीन ने कुछ सैनिकों को झील के पूर्वी छोर पर रतोंग काउंटी में सैन्य चौकी में स्थानांतरित कर दिया है। रतोंग काउंटी मोलदो से 110 किलोमीटर दूर है। LAC के साथ एक महत्वपूर्ण PLA चौकी है, जहां दोनों देशों के कमांडर ने असहमति वार्ता आयोजित की थी। इस बेस पर 2019 के बाद चीन ने रडार स्टेशनों सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल हेलीपोर्ट टैंकों की संख्या में वृद्धि की है। रतोंग काउंटी में रडार स्टेशन है, जो फिंगर 4 के साथ लगती है। अगला अपडेट DRDO को लेकर है। DRDO ने सोमवार को वर्टिकल लॉन्च साल्ट सरफेस टू एयर मिसाइल VLXR-SAM के 2 सफल टेस्ट किए। ओडिशा के चांदीपुर ITR टेस्ट रेंज लॉन्चर से इसका टेस्ट किया गया। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। VLXR-SAM समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किए गई है। दोनों टेस्टों में मिसाइल ने पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्यों को हिट किया। मिसाइल का टेस्ट न्यूनतम और अधिकतम रेंज के साथ किया गया। अगला अपडेट भारत फोर्ज को लेकर है। भारत फोर्ज ने सोमवार को कहा कि उसने देश में बख्तरबंद वाहनों के निर्माण के लिए ग्लोबल एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी फर्म पैरामाउंट ग्रुप के साथ समझौता किया है। भारत फोर्ज ने एक बयान में कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो IDEX 2021 के दौरान किए गए थे। भारत फोर्ज के प्रबंधक अमित कल्याणी ने कहा कि कल्याणी M4 एक नई पीढ़ी का वाहन है और हम इसे दुनिया के सभी बाजारों में बेचना चाहते हैं। कल्याणी M4 किसी भी इलाके में जा सकता है और ID खतरों से सैनिकों की सुरक्षा कर सकता है। यह बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है और 50 kg TNT को आसानी से झेल सकता है। अगला अपडेट इसरो को लेकर है। इसरो प्रमुख सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च होने की संभावना है। COVID-19 ने चंद्रयान 3 सहित इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया है। चंद्रयान 3 को 2020 के अंत तक लॉन्च किया जाना था। इसरो प्रमुख सुवीन ने कहा कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के आगे के मिशनों के लिए लैंडिंग करने की क्षमता को और मजबूती देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।